हमारे पास एक डिलीवरी है, भैया का डिलीवरी जा रहा है। सबसे पहले भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा? थैंक यू, बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया ट्रू वैल्यू हिल टॉप का, वो बताइए आप। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है कि डीलरशिप अच्छा मिलता है कि नहीं, उसमें गाड़ी अच्छा मिलता है कि नहीं आपको, तो वो उसके लेकर आपको क्या कस्टमर को क्या बताना चाहेंगे, जो अगला जो व्यूअर और लेना चाहेंगे उनको क्या बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअल में यहाँ जो कस्टमर डील कर रहे हैं ना, वो अच्छे है, उनका बिहेव अच्छा है, और चूँकि वो हर चीज़ क्लियर कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है वो क्लियर कट करके ये सारा मिलता है। तो फाइनली देख सकते हैं कि भैया का गाड़ी रेडी हो चुका है डिलीवरी के लिए, और मारुति 800 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ रिबन वगैरह सारा कुछ हो चुका है। देख लो पहले डिलीवरी से पहले गाड़ी कैसा एकदम चकाचक करके मिलता है। तो आपको एक बार इंटीरियर का भी लुक मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो भाई देख लो, गाड़ी आप लेते हो डिलीवर होता है उस समय आपको एकदम क्लीन, एकदम न्यू जो सेफ होता है ना, वो आपको करके यहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हो सारा चीज़ एकदम चकाचक लग रहा है, नया लग रहा है। तो बाकी ठीक है भैया, फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू।